नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन से बहुत नाराज हैं तो आरजेडी से बहुत नाराज हैं, तो लगातार ये कयास लग रहे हैं कि जीतन राम मांझी क्या पुराने घर में वापस लौटेंगे, सीएम नीतीश कुमार के साथ फिर जाएंगे। ये कयास हैं, तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन एक मामले को लेकर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। दरअसल आप जानते हैं, नियोजित शिक्षकों को चुनाव से पहले कई बड़े तोहफे सरकार देने जा रही है। एक तो नियोजित शब्द उनके नाम से हटाने जा रही है, नियोजित शिक्षक अब उनको नहीं कहा जाएगा। इसके साथ ही खबर है कि कई तोहफे सरकार उनको देने जा रही है। जीतन राम मांझी ने इस फैसले का स्वागत किया है और ये कहा है कि अगर वेतन मान के बारे में भी सरकार सोच ले तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा होगा। तो जीतन राम मांझी अगर नीतीश कुमार के राजनीतिक फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की सियासत कहाँ जा रही है, जीतन राम मांझी की सियासत कहाँ जा रही है और जीतन राम मांझी क्या संकेत दे रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी के पूरे बयान को सुनते हैं, उसके बाद बहुत कुछ आप भी समझ जाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे वो हम समझाएंगे। समाचार पत्रों से और मीडिया से ऐसा ज्ञात हो रहा है कि लगभग मसौदा बन गया है कि नियोजित शिक्षक का सुनियोजित पद हटा देने की बात है, कुछ उसके जगह पर दूसरा पद देंगे और जिसके लिए वे लोग आंदोलनरत थे लगभग सभी मांगों को माननीय नीतीश कुमार जी ने मान लेने का काम किया है। सैद्धांतिक रूप में अगला कैबिनेट में हो सकता है उसका मसौदा आ जाए और उसको अप्रूव कर दें। उसमें सिर्फ और सिर्फ मानदेय छोड़ करके बाकी सारे शर्तों को उन्होंने मान लिया है। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि बहुत अच्छा काम आपने किया, क्योंकि नियोजित शिक्षक गरीब परिवार से लोग होते हैं और गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। मन से पढ़ाएंगे तो हमारे गरीब बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आप ही से विश्वास है, आप इतना दूर तक जा करके उनकी सारी मांगों को आप मान रहे हैं, तो वेतन मान के लिए भी आप विचार करें। अगर वेतन मान किसी रूप में उनको दे देते हैं, समान काम के लिए समान वेतन की जो बात कह रहे हैं उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, तो हम समझते हैं कि 4 लाख नियोजित शिक्षक आपका निश्चित रूप में ऋणी रहेंगे और उसका आपको राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। तो आपने सुना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को सरकार जो तोहफा देने जा रही है उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और जीतन राम मांझी का जो बयान है वो सिर्फ एक फैसले के स्वागत तक सीमित नहीं है। जीतन राम मांझी ने अंत में कहा है कि नीतीश कुमार को बड़ा राजनीतिक फायदा होगा अगर वो वेतन मान के बारे में सोचे। तो एक विपक्षी गठबंधन का कोई नेता सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता के राजनीतिक फायदे के बारे में चुनाव से एन पहले सोच रहा हो तो बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तस्वीर अभी धुंधली है, धीरे धीरे साफ हो पाएगी, वक्त कम है। बिहार विधानसभा चुनाव में तस्वीर भी बहुत जल्दी ही साफ हो जाएगी। जीतन राम मांझी के बयान के अपने मायने हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।